देखिए सबसे पहले तो आपने पिच को देखते हैं, अगर आप पहला मैच देखें जो इस वर्ल्ड कप का हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो उस पिच में मॉइस्चर था, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग देना जो है वो न्यूजीलैंड के काम आया। अगर पिच में कोई मॉइस्चर नहीं होगा तो वनडे क्रिकेट का रूल नंबर वन है रन ऑन द बोर्ड जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर लेके आता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके थोड़ा टोटल लगाना चाहिए। और जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की है तो मैं सिर्फ यही मशवरा सबसे पहले तो शाहीन से चाहकर दूंगा कि हर गेंद पे आउट नहीं होता, आपको बैट्समैन को फंसाना होता है। जब आप इस सोच के साथ बॉल करेंगे एज अपोज टू हर गेंद पे आउट करने के, तो आपके ज़्यादा आउट करने के चांसेस हो जाते हैं। जब आप डेस्परेशन में बॉल करते हैं तो फिर आप रन भी लीक करते हैं और आपकी लाइन और लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होती। अभी आपने एक सवाल किया था कि शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, मैं उसका शिद्दत से इंतज़ार नहीं कर रहा था। उसकी बड़ी मेन रीज़न है कि इंडिया आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलता, दूसरा जिस तरह का रवैया उन्होंने दिखाया पाकिस्तानियों की तरफ, ना दूसरे जर्नलिस्ट को दे रहे हैं ना पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, ये आपके पास बहुत बड़ा मौका था और अगले ये 10 साल तक आपको मौका नहीं मिलना, क्या आप उनको थोड़ा सा दान दिखा सकते? अगर हम लोग सारा वर्ल्ड कप खेलते और इंडिया से सिर्फ गिमिक करने के लिए इनकार करते तो आप देखते वो टेबल के ऊपर बैठ के आपके साथ नेगोशिएशन जरूर करते, लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ा मौका अपने हाथ में दबा दिया। बिल्कुल सलीम साहब, आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे पास ये मौका था और इंडिया की जानिब से बड़ी हठधर्मी दिखाई गई है, जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं मिले, शाइकी ने क्रिकेट को नहीं, फिर उसके बाद हमने जैनब वाला भी केस देखा कि उन्हें को किस तरह से थ्रेट करके वापस भेजा गया। जी ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया इंडिया का है, क्योंकि इतने अरसा हो गया मुझे क्रिकेट कवरेज करते हुए, तकरीबन सारे जो पिछले कुछ 10-15 साल में ICC इवेंट हुए कवर किए। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का बता दूं T20 का, वहाँ पर 3 दिन में उन्होंने वीज़ा दिया था विदाउट पासपोर्ट, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने, तो फीस भी नहीं ली थी, ये सब जर्नलिस्ट को इतने ज़बरदस्त तरीका था वहाँ पे, इवन बायोमेट्रिक भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिए थे, और इंडिया ने इतना मसला बना दिया कि इतने 15-20 दिन बाद कल परसों कॉल आई कि पासपोर्ट जमा करा दे, अब जमा कराया, 8 से उन्होंने कुछ लोगों को वीज़े दे दिए, तो होपफुली अब पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन मैचेस मिस हो चुके हैं 2, और जाते हुए भी सच्ची बात है डर ही लग रहा है, और जैनब वाला वाकया भी देखा कि कहीं और दूसरे लोग भी यही डरा ही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेली जा रही होती है तो जिस तरह लोग देखते हुए एंजॉय करते हैं, तो जो वहाँ बैठ रहे हैं सहाफी उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि खौफजदा ना हो बल्कि एंजॉय करें। तो हर लिहाज में अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में बद इंतजामियाँ उरूज पर नजर आई हैं शुरू से लेके, चाहे वो पिचेस हों, ओपनिंग सेरेमनी नहीं रखी और शेड्यूल बार बार चेंज होता रहा, काफी सारी बद इंतजामियां नजर आई है, और लग ऐसे ही रहा है जो हकीकत है जो समझता है इंडिया कि भाई हम ही हैं सब कुछ, और लेकिन अब ऐसी बात हुई है कि उनको अपने मुल्क में भी लोग बुरा भला कह रहे हैं कि ये क्या आप लोग वर्ल्ड कप करा रहे हो, एक वर्ल्ड कप जितना अच्छा होना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं हो सका वो, और अब यकीन तौर पर ICC भी देख रही होगी, लेकिन ICC इसमें कुछ कर नहीं सकती। अगर ICC कुछ कर सकती और उसकी चलती तो वो टैक्स जो होता वही माफ करा लिया जाता, क्योंकि ICC इवेंट के लिए टैक्स माफ कराने की शर्त होती है, लेकिन इंडिया कहता है जी इंडियन गवर्नमेंट हम तो टैक्स लेंगे, फिर अब होता ही है कि इंडियन बोर्ड अपने शेयर में से ICC के वो टैक्स वाली रकम पूरी करता है। सही, इंडिया ने बड़ी हठधर्मी दिखाई है, जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया गया और हमने देखा कि कोई शाइकी ने क्रिकेट पहली बार वर्ल्ड कप के मैचेस देखने नहीं जा सकता, ये अफसोस की बात भी है, लेकिन अब मैच से जुड़ी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे।